मेरा नाम रमन पाठक है। मैं मेरे कांच से चोट लग गई थी और ये कट गया था, ये हाथ है कट गया था और बहुत दर्द हो रहा था। दिसंबर में कटा था, मार्च में सर से ऑपरेशन कराया था मैंने, तो मतलब ये मूवमेंट नहीं हो रहा था, अब बढ़िया मूवमेंट हो रहा है। और ऑपरेशन के 2 महीने बाद बहुत करंट लग रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन धीरे 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 करके दर्द सारा ख़त्म हो गया। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरा हाथ भी फिट है, कुछ भी कितना भी उठाना हो मैं उठा सकता हूँ, बाइक चला सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, कुछ भी करना हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन टाइम लगता है दर्द जाने में, तुरंत नहीं जाता है, लेकिन महीना 2 महीना 3 महीने। चोट लगने जब चोट लगी थी तब तो तुमको पेन हुआ ही होगा? हाँ, तब तो पेन हो रहा था। ऑपरेशन करते वक्त तुमको पेन नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, ऑपरेशन करने के बाद तुमको कितने टाइम तक पेन रहा था? हमको लगभग 3 से 3.5 महीने तक पेन रहा। 3.5 महीने तक उनको पेन रहा? पेन रहा। इनका तुम्हारा जो है अंडर इंजरी था? जी जी। और टेंडन जो है ट्रांसफर हो रखा है? जी जी। वो भी हो रखा था? जी जी। प्रॉब्लम में था जी। तो अब जाके तुमको कितना महीना हो गया ऑपरेशन हुए? 5 महीना हमें ऑपरेशन के हो गया, मुझे लग रहा है हाथ मेरा बिल्कुल ठीक है। 5 महीने में अभी तुमको कितना दर्द होता है? अब हमको लगभग ना बिल्कुल ना के बराबर होता है, ना के बराबर दर्द होता है। हाँ, 5 महीने में ना के बराबर दर्द कोई नहीं है मेरे अंदर। तो जो जिनको पेन होता रहता है ऑपरेशन के बाद में? जी जी। ठीक है, तो वो उनको क्या बोलना चाहोगे तुम, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि बस थोड़े दिन तक, 2-3 महीना तक वेट करना होता है और एक्सरसाइज बराबर करते रहना है, और एक्सरसाइज करते रहोगे अपने आप धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके पेन खत्म हो जाएगा पूरा। आपको संडे को पेन को कम करने के लिए कोई ऑपरेशन किया था? कुछ नहीं, पेन के लिए ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं, बस दवाई वगैरह कुछ दी होगी? कुछ नहीं, दवाई वही कुछ नहीं, बस 1 हफ्ते की दवाई मैंने खाई थी, बस वही है। बाकी मैंने कुछ ना दवाई खाई है ना कोई ऑपरेशन कराया है। जो सर ने